तो दोस्तों एक बार मैं दिखा भी देता हूँ बैठ के, तो यार देखो मैं बैठा हूँ आराम से और कितना स्पेस दिख जाता है। और दोस्तों छोटी छोटी डिटेल का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा गया है। ये देखो भाई, ये मिनी बस जैसी लग रही है भाई पीछे से, तो C8 का व्हील मिल जाता है और इसकी सबसे अच्छी बात है ये है ट्यूबलेस। मेरे सामने है एक प्यारा सा शेर की तरफ से आने वाला एक ऑटो, या फिर आप इसको कह सकते हो कैटो। ये लग रहा है बहुत ही सुंदर, और जो इसका डिजाइन है काफी फ्यूचरिस्टिक सा डिजाइन है। आपको बताते हैं इसके बारे में और पूरा अंदर से लेकर बाहर तक दिखाते हैं कि भाई ये कैसा है। सबसे पहले लेके चलता हूँ मैं सीट पे, क्योंकि भाई सीट जो है बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो भाई ये आ गया हूँ मैं अंदर, और भाई कुछ ऐसा सा लग रहा है कि मैं जहाज उड़ाने वाला हूँ। ये देख सकते हो दोस्तों अंदर कुछ ऐसा सा लगता है, और दोस्तों इसको आप ऑटो के रूप में चला सकते हो, पीछे पैसेंजर बिठा सकते हो, गाड़ी भगा सकते हो। ये आपको डिस्प्ले दिख जाती है, अभी बैटरी से डिस्कनेक्ट है तो हम ऑन करके तो नहीं दिखा पाएंगे, पर आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाता है रखने के लिए, आपको यहाँ पर देखो दोस्तों पास का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ मिल जाता है आपको हेडलाइट का स्विच, यहाँ आ जाता है दोस्तों इंडिकेटर, और भाई यहाँ देखो और भी काफ़ी सारे कंट्रोल दिख जाते हैं आपको, जो कि आपको ऑटो में यूज़ होता है। यहाँ पर लगती है इसकी की, और ये है इसके एक्सेलेरेटर। तो भाई ये चीज़ बहुत ही बढ़िया लग रही है मुझे। फिर उसकी बात करूँ तो दोस्तों फाइबर से बनी हुई है और ऐसे से कुछ लग रही है। लेग रूम ना काफ़ी प्यारा दिया है अगर जो भी चलाने वाला है, और लिटरली अगर आप ऑटो में बैठते हो तो आपको लगता है कि भाई थोड़ा प्रीमियम नहीं, लेकिन इसके साथ आपको काफ़ी प्रीमियम वाली फील आ रही है। ये दोस्तों आपको मिल जाती है ब्रेक, यहाँ पे दोस्तों दिख जाते हैं आपको रेयर व्यू मिरर। अब दोस्तों पीछे चलते हैं, पीछे आपको दिख रहा है सीट बेल्ट भी है भाई इसके अंदर, तो पीछे लेके चलते हैं आपको, यहाँ बैठते हैं पीछे। तो यार बहुत ही प्यारा सा फील हो रहा है इसके अंदर बैठ के, काफ़ी अच्छा स्पेस है, और यहाँ पर 3 लोग बड़े प्यार से बैठ सकते हैं। सीट की बात करूँ आगे वाली बहुत ही कंफर्टेबल थी, यहाँ पर अगर मैं इसको गेट को बंद कर लूँ तो भाई क्या तो व्यू आ रहा है, इतनी बड़ी मुझे खिड़की दिख जाती है, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और दोस्तों जो क्वालिटी है ये भी काफ़ी अच्छी है, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आपको हल्के मटेरियल में मिल रही है, वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। पीछे चलते हैं दोस्तों, तो पीछे से कुछ ऐसा तो दिख जाता है आपको, इतनी बड़ी आपको रेयर विंडो मिल जाती है, तो आप देख सकते हो पीछे से भी आपको लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख जाते हैं पूरी इसकी टेल लाइट, वो भी LED में। ये इंडिकेटर है LED है, ये रिफ्लेक्टर है बेसिकली, और ये है इसकी टेल लाइट। एंड दोस्तों देख सकते हो ऐसा सा कुछ लुक है, ये मिनी बस जैसी लग रही है भाई पीछे से। तो ये जो कंपार्टमेंट है दोस्तों, इसके अंदर इसकी बैटरी वगैरह है जो कि आप की से खोल सकते हो। एंड दोस्तों ऐसी ऐसी कुछ इसकी लुक है। और दोस्तों मैंने एक चीज़ नोटिस करी, लोग इसको बजा बजा के देख रहे हैं, तो भाई ये पूरी फाइबर बॉडी है, और ऐसा नहीं है हल्का मटेरियल, मटेरियल बहुत सॉलिड लग रहा है ये, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और भाई सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि यार पैसेंजर के लिए भी सीट बेल्ट है, और राइडर के लिए तो सीट बेल्ट है ही है। ऊपर अगर देखोगे तो भाई यहाँ आपको लाइट दिख जाती है, पीछे आपको थोड़ा बहुत स्पेस दिख जाता है, आप सामान रख सकते हो अगर आप रखना चाहो तो। एंड भाई ओवरऑल बहुत ही क्यूट सा ये ऑटो लग रहा है, और दोस्तों छोटी छोटी डिटेल का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा गया। ये देखो भाई पैसेंजर के लिए आपको ग्रैब हैंडल भी देखने के लिए मिल जाते हैं, उसको अनकम्फर्टेबल हो रहा है, मान लो बहुत सारे बम्प्स है रोड पर, आराम से इसको बैठ के कर सकते हो। दोस्तों व्हील की भी अगर हम दिखाएं तो यार देखो व्हील कितने बड़े मिल जाते हैं, काफ़ी वाइट से टायर दिख जाते हैं आपको। यूजली ऑटो में छोटे छोटे टायर होते हैं, लेकिन इनका जो साइज़ है ना काफ़ी बड़ा है, इवन जो कार का टायर होता है उससे भी थोड़ा सा बड़ा है आपको लग रहा है। पीछे की बात करें तो भाई पीछे आपको बम्पर मिल जाता है, राइट, तो ये सही सी चीज़ है। और दोस्तों व्हील की बात कर ले तो यार देखो कितना बड़ा आपको C8 का व्हील मिल जाता है, और इसकी सबसे अच्छी बात है ये है ट्यूबलेस, तो ये ट्यूबलेस टायर है, पंचर की इतनी टेंशन नहीं होगी, आराम से पंक्चर फिक्स हो जाएगा। और देखो भाई ये इसके सस्पेंशन है, सस्पेंशन कितने सॉलिड लग रहे हैं, कितने वाइड लग रहे हैं। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर दिख जाता है, और जो इसका बेल्ट है ना भाई, मतलब यार इतना सॉलिड लग रहा है ना, ये बहुत ही सॉलिड है, ऐसा सा कुछ टायर दिख जाता है। यहाँ पर दिख जाती है ट्रायलक्स की ब्रांडिंग जो कि इसका नाम है, यहाँ पर है इसकी LED हेडलाइट, यहाँ पे है इसके LED इंडिकेटर, और ये है इनकी कुछ ब्रांडिंग, देख सकते हो इतनी बड़ी आपको विंडशील्ड देखने के लिए मिल जाती है, और इतना बड़ा ही आपको वाइपर देखने के लिए मिल जाता है जो कि रेन वगैरह में आपको बेटर क्लैरिटी के लिए देगा, आपकी विंडशील्ड को आराम से साफ कर देगा। तो दोस्तों ओवरऑल ऐसी कुछ लुक है इसकी, और बहुत ही प्रीमियम, बहुत ही क्यूट सी लगती है यार ये देखने के लिए। और इसका नाम है ट्रायलक्स नेक्स्ट, ये आता है सेरा कैटो कंपनी की तरफ से, EV है दोस्तों, बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने के लिए, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। स्पेस का जो है बहुत अच्छा, एक बार मैं बैठ के भी दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों एक बार मैं दिखा भी देता हूँ बैठ के, तो यार देखो मैं बैठा हूँ आराम से और कितना स्पेस दिख जाता है। सबसे अच्छी चीज़ जो है सीट जो है काफ़ी कंफर्टेबल है भाई, ये एडजस्टेबल भी है, तो मैं आगे या पीछे आराम से कर सकता हूँ। और उसी के साथ साथ सेफ्टी के लिए मेरे पास मिल जाता है दोस्तों सीट बेल्ट का ऑप्शन, तो भाई यहाँ से अगर मैं सीट बेल्ट को निकालूँ तो भैया सीट बेल्ट भी मैं लगा सकता हूँ। उसके बाद दोस्तों पीछे चलते हैं, अब मैं स्पेस की बात कर ही रहा हूँ तो पीछे बैठ के दिखाता हूँ आपको, इतना स्पेस दिख जाता है आराम से, मैं सो सकता हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये ऑटो, अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।